बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लॉन्ग मैक्रोनी पास्ता। इसको मैंने अपने स्टाइल से बनाया है। इसको बनाना शुरू करते हैं। एक पतीली में 2 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक और लॉन्ग मैक्रोनी पास्ता का 1 पैकेट ऐड कर दें। आग को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखें। इसको बॉईल होने के लिए 12 से 15 मिनट चाहिए। जब ये 90% कुक हो जाए तो इसको छान लें और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। फिर 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के मिक्स करें ताकि ये आपस में चिपके ना, और इसको मिक्स करके एक साइड पे रख दें। फिर 5 टमाटरों को छील के उसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद इसको भी एक साइड पे कर दें। फिर एक पैन को लो फ्लेम पे रखें और उसमें 4 खाने के चम्मच ऑयल डालें, 1 खाने का चम्मच चॉप्ड लहसुन सौते कर लें। लहसुन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। 1 चॉप की हुई दरमियाने साइज़ की प्याज डाल दें और इसको भी 1 से 2 मिनट पकाएं। अब इसमें टमाटो प्यूरी डाल दें और 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाएं। फिर इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, 1/2 टीस्पून और सॉल्ट डाल के मिक्स कर दें। चिकन का कीमा मेरे पास 400 ग्राम है, आप इसमें ऐड कर दें। इसको 12 से 15 मिनट लगेंगे पकने में। अब ये तैयार हो गया है। इसको भी एक बाउल में निकाल के साइड पे रख दें। अब एक प्लेट में लॉन्ग मैक्रोनीज डालें, फिर ऊपर से ये जो कीमा बनाया था हमने वो डाल दें, फिर ऊपर से पास्ता सॉस डाल दें। इंशाल्लाह पास्ता सॉस की रेसिपी मैं जल्द शेयर करूँगी। फिर कीमा डाल दें, एक दफ़ा फिर पास्ता सॉस डाल दें, ऊपर से चेडर चीज़ डाल दें। उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी।